मैं उस दौर से आया हूं जब एक साल में 20-20 फिल्में करता था। चंकी पांडे। नमस्कार, बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। चंकी पांडे ने कई फिल्मों में हीरो और फिर कॉमिक किरदार निभाए हैं। चंकी अब फिल्मों में विलेन के किरदार को निभा रहे हैं। चंकी के नेगेटिव किरदारों को क्रिटिक्स के साथ ही ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही है। संजय दत्त की आने वाली फिल्म प्रस्थानम में भी उनका किरदार कुछ ऐसा ही है। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन का किरदार निभाया है जो पॉलिटिक्स को रोल करता है। चंकी पांडे ने कहा, मेरा किरदार बेहद खराब है जिसके लिए सिद्धार्थ और मूल्य का कोई वैल्यू है। जो भी उसके काम के लिए मना करता है वह उसे नहीं छोड़ता। ये एक क्रेजी करेक्टर है। मेरी पत्नी भी लड़ाई के वक्त ये कहती भी है कि मेरा बुरा पक्ष घर की बजाय पड़े पर्दों पर दिखाया जाए तो बेहतर काम करेगा। उन्होंने कहा, मैं उस दौर से आया हूं जबकि मैं शक्ति कपूर और कादर खान एक साल में 20-20 फिल्में कर रहे थे और उनमें विलेन का किरदार निभा रहे थे। साथ ही वह इतनी ही कॉमेडी फिल्में भी कर रहे थे। मैं हमेशा से सुपर विलन का किरदार निभाना चाहता था।